नमस्ते बच्चों मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय गणित गणित विषय में आओ पहाड़ा बनाए पहाड़ा किस प्रकार बनाया जाता है आज वो मैं आपको बताऊंगी ठीक है बच्चों तो चलो हम शुरू करते हैं पहाड़े में दो एक्म दो दो दुनी चार ऐसा होगा ठीक है अब ये देखो बच्चों दो का पहाड़ा दो के पहाड़े में ये देखिए ये कितने बॉक्स हैं एक दो।, दो गुड़े एक दो एक बार है दो कितना है एक बार है इसलिए यहाँ पे दो है तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे दो एक कम दो अब यहां पे देखिए बच्चों यहां पे दो का एक ही बॉक्स है यहां पे दो दो के दो बॉक्स है ना एक दो तो यहां पे क्या लिखेंगे दो गुड़े दो मतलब दो दो के दो लाइन है दो दो बार है ये देखो एक दो एक दो कितने बार है एक बार दो बार दो 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 बार है तो दो 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 और दो का गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा चार देखो जोड़ो एक दो तीन चार कितना हो गया चार हमने दो में और दो जोड़ दिया तो कितना हो गया चार तो हम पहाड़े में कैसे लिखेंगे दो दूनी चार जब हम पहाड़ा लिखेंगे तो हम उसमें लिखेंगे दो दूनी चार अब यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे देखो दो दो के तीन लाइन हो गई है है ना दो कितने बार है एक बार दो बार तीन बार देखो यहाँ पे लिखा है दो गुड़े तीन दो तीन बार है दो कितने बार है तीन बार एक बार दो बार तीन बार तो इसको हम गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ कितना हो गया ये देखो छ इसको हम पहाड़े में कैसे पढ़ेंगे दो तिया छ जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना दो तिया छ अब अगला देखो अब इसमें दो दो के कितने हो गए चार एक दो तीन चार दो गुड़े चार दो चार बार है दो कितने बार है चार बार है अभी इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ यहाँ पे आठ आ गया तो दो चौके आठ बच्चों सब में हम दो दो बढ़ाते जाएंगे तो हमारा पहाड़ा बनते जाएगा अभी यहाँ पे देखो दो दो की चार लाइन है अब हम आगे देखेंगे दो दो की पांच लाइन हो गई एक दो तीन चार पांच मतलब हमने दो और जोड़ दिया दो गुड़े पांच दो पांच बार है दो कितने बार है पांच बार है तो कितना हो जाएगा दस दो पंचे दस इसको आप गिनोगे ना बच्चों तो दस हो जाएगा देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ठीक है अब इसमें देखो इस लाइन में कितना है दो दो के छ है एक दो तीन चार पाँच छ छ है ना दो दो, दो गुड़े छ दो छ बार है कितने बार है छ बार है दो दो अगर हम छह बार गिनेंगे तो कितना हो जाएगा गिनो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह देखो यहाँ पे बारह लिखा है दो छत बारह अब इस डिब्बे में देखो दो दो कितने बार है सात बार यहाँ पे छह था एक बार और बढ़ गया अब सात बार हो गया एक बार दो बार तीन बार चार बार पाँच छ सात दो गुड़े सात दो सात बार है दो कितने बार है बच्चों सात बार है तो दो को अगर हम सात बार करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो यहाँ पे आ गया चौदाह दो सत्ते चौदह अब यहाँ पे देखो बच्चों दो कितने बार है आठ बार हो गया है देखो एक बार दो बार तीन बार चार पाँच छ सात आठ बार है दो गुड़े आठ दो आठ बार है तो दो आठ बार लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चलो जोड़ो मेरे साथ सब बच्चे मेरे साथ गिनेंगे ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह दो को हम आठ बार लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सोलह दो अठे सोलह अब यहाँ पे देखो बच्चों, दो दो कितने बार है गिनो एक बार दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दो बार कितने दो दो कितने बार है नौ बार दो गुड़े नौ दो नौ बार है अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा अठारह दो नवा अठारह अब ये देखो इसमें दो दो के कितने हैं गिनो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दो दो के दस बार है दो घुड़े दस दो कितने बार है दस बार है अगर इन सब को हम गिनेंगे तो कितना आएगा चलो हम गिन कर देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस कितना आ गया बीस दो दहा बीस तो बच्चों ये हमारा दो का पहाड़ा हो गया है अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है ठीक है अब ये देखो बच्चों अब हम जिस प्रकार हमने दो का पहाड़ा किया था ना अब तीन का पहाड़ा है ठीक है अब यहां पे देखो तीन तीन के तीन छोटे छोटे गुटके है, है ना एक दो तीन तीन गुड़े एक यहाँ पे तीन तीन का एक ही लाइन है है ना तीन एक बार है एक ही बार है ना और ज्यादा दिख रहा है नहीं तो यहाँ पे देखो सही लिखा है तीन गुड़े एक तीन कितने हैं एक बार है तो अगर इसको गिनेंगे तो एक दो तीन तीन लिख दिया अब इसको पहाड़े में हम कैसे पढ़ते हैं तीन एकम तीन कैसे पढ़ेंगे तीन एकम तीन तीन एकम तीन, तीन, एकम तीन। अब ये दूसरी लाइन देखो बच्चों इसमें तीन तीन की कितनी लाइन हो गई है दो लाइन हो गई है देखो यहाँ पे लिखा भी है तीन गुड़े दो तीन कितने बार है दो बार है ये देखो एक बार दो बार अगर इसको हम गिनेंगे तो कितना होगा एक दो तीन चार पांच छ कितना आ गया छे तीन दुनी छ है ना यहाँ पे भी वो लिखा है तीन दूनी छ अब यहाँ पे देखो तीन तीन की कितनी लाइन हो गई तीन लाइन हो गई एक लाइन दो लाइन तीन लाइन यहाँ पे देखो लिखा है तीन गुड़े तीन तीन कितनी बार है तीन बार है अब इसको हम गिनेंगे तो कितना हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ ये देखो नौ हो गया तीन तिया नौ तीन तिया नौ अब आगे देखो बच्चों इस बॉक्स में तीन तीन की कितनी लाइन हो गई चार लाइन एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन है ना तो यहां पे लिखा है तीन गुड़े चार तीन कितने बार है चार बार है अब इसे गिनो बच्चों एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये देखो बारह तीन चौक बारह तीन चौक बारह अब इधर देखो बच्चों अब क्या हो गया तीन तीन की पांच लाइन हो गई है ना एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन पांच लाइन अब सबको गिनो बच्चों एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह है ना पंद्रह हो गया अभी यहाँ पे देखो लिखा है तीन गुणे पांच तीन पांच बार है एक दो तीन चार पांच बार है और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पंद्रह तीन पच्चीस पंद्रह ठीक है आगे देखो अब ये लाइन इस लाइन में तीन कितनी बार है छह बार है देखो एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार यहाँ पे लिखा है तीन गुड़े छे। तीन छे बार है। अब इसको गिनेंगे तो कितना होगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह कितना हो गया अठारह तीन छके अठरा तीन छके अठरा अब आगे देखो अब इस डिब्बे में तीन दिन की कितनी लाइन है सात लाइन है देखो एक लाइन दो तीन चार पांच छ सात लाइन है यहाँ पे लिखा भी है तीन गुड़े सात तीन कितनी बार है सात बार है बच्चों अब इसको हम जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो देखो कितना आता है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस कितना हो गया इक्कीस तीन सत्ते इक्कीस इक्कीस को कैसे पढ़ते हैं बीस और एक इक्कीस तीन सत्ते इक्कीस ठीक है अब अगली लाइन देखो इस लाइन में देखो बच्चों अब यहाँ पे तीन तीन कितनी लाइन है तीन की एक लाइन दो लाइन तीन चार पांच छ सात आठ तीन तीन की कितनी लाइन हो गई बच्चों आठ लाइन हो गई है देखो यहाँ पे लिखा भी है तीन गुड़े आठ तीन कितने बार है आठ बार है चलो इसको हम गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस देखो चौबीस आ गया तीन अट्ठे बीस चार चौबीस तीन अट्ठे चौबीस होता है चौबीस को हम ऐसे भी पढ़ते हैं बीस और चार चौबीस आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि तीन अठे, चौबीस तीन अठे, बीस चार चौबीस ये दोनों तरह से करोगे सही है आगे देखो बच्चों। अब इस लाइन में दो दो की कितनी लाइन है चलो गिनो बच्चों। आप लोग गिन रहे हो ना मेरे साथ सभी को गिनना है एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ नौ तीन तीन की कितनी लाइन है नौ तो देखो यहाँ पे लिखा है तीन गुड़े नौ तीन नौ बार है अब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना होगा चलो हम इसको जोड़ते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्तावीस कितना हो गया सत्तावीस तीन नवा बीस सात बीस सात को सत्तावीस बोलते हैं। तीन नवा सत्ताईस ये दोनों सही है अब ये देखो ये आखिरी डिब्बे में तीन कितने बार है गिनो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तीन तीन की कितनी लाइन है दस लाइन है तो देखो बच्चो यहाँ पे हम फिर ऐसे लिखेंगे तीन गुड़े दस मतलब तीन तीन की दस लाइन है तीन दस बार है तीन तीन की लाइन कितने बार है दस बार अब इसे हम गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्तावीस अठावीस उन्तीस तीस कितना हो गया तीस तीन तीन की दस लाइन रहेगा उसको हम गिनेंगे तो हो जाएगा तीस तीन दहा तीस तीन दहा तीस तो बच्चों इस प्रकार हम संख्याओं को जोड़ जोड़कर जैसे यहाँ पे तीन है तीन में हमने तीन और जोड़ दिया छे हो गया अब छे में हम फिर तीन जोड़ देंगे तो नौ हो जाएगा नौ में हम फिर से तीन जोड़ देंगे तो बारह हो जाएगा बारह में हम फिर से तीन जोड़ देंगे तो पंद्रह हो जाएगा और में हम फिर से तीन जोड़ेंगे तो अठारह हो जाएगा तो अठारह अच्छा अच्छा में तीन जोड़ेंगे इक्कीस हो जाएगा और इक्कीस में फिर से तीन जोड़ देंगे चौबीस हो जाएगा और चौबीस में फिर हम तीन जोड़ देंगे सत्ताईस हो जाएगा और सत्ताईस में हम फिर से तीन जोड़ देंगे तो तीस होगा इस प्रकार संख्याओं को गिन गिन कर हम पहाड़ा बना सकते हैं पढ़ते समय अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा है वो हम पढ़ते हैं। पढ़ते समय तीन सत्ते बीस एक तथा तीन सत्ते इक्कीस इनमें से एक ही वाचन अपेक्षित है बीस एक बीस सात ऐसे वाचन अधिक आसान है क्योंकि इसे लिखना भी आसान है इसी प्रकार चार का पहाड़ा भी सहजता से बनाया जा सकेगा बच्चों जिस प्रकार हमने तीन का पहाड़ा लिखा है उसी प्रकार हम चार का पहाड़ा भी बनाकर लिख सकते हैं हमें जो भी पहाड़ा बनाना है बच्चों जैसे अभी हमने तीन का पहाड़ा बनाया है है ना तो हम तीन तीन के आगे फिर हमने तीन जोड़ दिया है अगर आपको चार का पहाड़ा बनाना है तो आप क्या करोगे पहले चार फिर उसके आगे फिर चार दो जोड़ दोगे चार में चार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा पांच छ सात आठ आठ में फिर चार जोड़ देंगे नौ दस ग्यारह बारह ऐसे ही आप चार चार जोड़ते हुए अपना पहाड़ा बना सकते हो ठीक है तो ये हमारा तीन का पहाड़ा यहाँ पे पूरा हो गया है अगली पाठशाला में हम चार का पहाड़ा करेंगे ठीक है बच्चों तो जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके ठीक है बच्चों तो फिर अगली बार हम फिर मिलेंगे आप लोगों ने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद बाय बाय बच्चों